It's the final day of Congress's key meeting in Udaipur. The Congress committee is going to discuss and finalize the resolution submitted by a committee appointed today. Congress Working Committee prepared a draft resolution that has been submitted to Sonia Gandhi by the conveners appointed to deliberate on different subjects from politics to the organization, farmers, agriculture, social justice, youth, welfare, economy. Congress leader said that over the last 2 days, efforts were being made to persuade Rahul Gandhi to now take charge as the Congress chief. Meanwhile, Rahul Gandhi is going to be addressing this particular meeting, that is Chintan Shivir, at 3 p.m. before the concluding remarks of Congress Interim President Sonia Gandhi. Congress's three-day Chintan Shivir concludes at 4:30 p.m. today. Social justice par hum shivir to shivir na karein. एक काउंसिल एडवाइजरी काउंसिल बनाने की बात है अगर वो एक्सेप्टेबल हो जाएगी कांग्रेस वर्किंग कमेटी को तो कांग्रेस प्रेसिडेंट को एक परमानेंट एडवाइजरी काउंसिल मिल जाएगी जो समय समय पर अपडेट करेगी कांग्रेस प्रेसिडेंट को उनको अर्ज करेगी टू टेक द स्टेप्स दैट वी बिलीव आर नेसेसरी बीजेपी का जो भूमिका है वो किसान विरोधी है ये स्पष्ट हो चुकी है और ये सब मामलों को देख कर कांग्रेस में चिंता निर्माण हुई और ऐसे समय में कांग्रेस ने उदयपुर में हमारी नेता सोनिया जी की अध्यक्षता के अंदर ये सब मीटिंग रखी इशू पे सड़क से लेके संसद तक ये लड़ाई कैसी लड़ी जाए केंद्र सरकार से किसान के हित में बेरोजगारों के हित में गरीबों के हित में महंगाई के विरोध में जो ये सब मामले कांग्रेस सब सड़क पे उतर के करेंगे अलग अलग समितियों में जो डेलीगेट्स हैं वो अपनी बात को रख रहे हैं देखिए देश में जो हालात बने हुए हैं उन हालातों पर चर्चा हो रही है आर्थिक मामलों की जो समिति का मैं सदस्य हूँ वहाँ पर सब डेलीगेट्स कह रहे हैं कि महंगाई बेरोजगारी अर्थव्यवस्था बिल्कुल चौपट हो गई है और उसको संभालने का कोई सरकार ने अभी तक कोई ऐसा इंटेंशन प्रकट नहीं करी है और कोई भाजपा का नेता खड़ा होकर ये बोलने को तैयार नहीं है कि महंगाई कब तक कम करेंगे अलग अलग समिति की रिपोर्ट्स कल बन जाएंगी और कांग्रेस का जो खाका है हमारी पार्टी का वो वर्किंग कमेटी से मोहर लगाएगी और कल दोपहर बाद सब सामने आ जाएगा मुझे तो लगा था कि कांग्रेस पार्टी के चिंतन शिविर से कुछ निकलेगा लेकिन ये तो स्थिति इनकी है कि खुदा पहाड़ निकली चुहिया अब पूरे चिंतन शिविर में कांग्रेस की अपनी नाकामियों की चिंता कम हुई कांग्रेस की नकारात्मकता की चिंता कम हुई कांग्रेस की इस बदहाली की चिंता कम हुई और आज भी इसी घमंड में और इसी गुरूर में डूबे हुए हैं कि कांग्रेस इज कंट्री और कंट्री इज कांग्रेस